आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार हो रही इस बैठक पर सियासी जानकारों की नजरें टिकी हुई है। 26 और 27 दिसंबर को जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में होने वाली इस बैठक को बिहार की सियासत को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में जेडीयू के संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी, साथ ही बिहार चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिलने पर भी घमासान होने की भी संभावना है। बैठक को लेकर जेडीयू कार्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद जेडीयू की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए कई नए चेहरों को भी आगे बढ़ाने की कवायद की जा सकती है। वहीं संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर के भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी बैठक पर सियासी जानकारों की नजरें टिकी हुई है। 26 और 27 दिसंबर को जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में होने वाली इस बैठक को बिहार की सियासत को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में जेडीयू के संगठन के विस्तार पर भी चर्चा होगी, साथ ही बिहार चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिलने पर घमासान होने की संभावना है। बैठक को लेकर जेडीयू कार्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद जेडीयू की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए कई नए चेहरों को भी आगे बढ़ाने की कवायद की जा सकती है।